नाउ करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग क्या क्या दिया हुआ है। हमारा जो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, द सर्किट शो इन ए फिगर इज एनर्जाइज बाय साइनसॉइडल वोल्टेज। साइनसॉइडल वोल्टेज से क्या कर दिया गया, एनर्जाइज कर दिया गया, मतलब इसको सप्लाई दी गई है, मतलब यहाँ पे इसको वोल्टेज दिया गया व्यू और फ्रीक्वेंसी जो भी है। विच कॉज ऑफ रेजोनेंस विथ करेंट आई, अच्छा इसमें जो करेंट है आई, द फेजर डायग्राम विच इज अप्लीकेबल फॉर, अच्छा ये बताइए रेजोनेंस कंडीशन के लिए क्या बताया था हमने कि जो एक्सएल होता है वो एक्सी के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जो रेजोनेंस कंडीशन की, रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो VL होगा वो VC के क्या होगा, बराबर होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो आप ऐसे लिख सकते हैं VC दिस बी इक्वल टू VL, ठीक है। तो इसमें जो भी करंट जा रही होगा, देखो ये R है, ये इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको XL मान लो और इसको XC मान लो, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू दिस आप क्या लिख सकते हैं, देखो करंट दोनों में सेम जा रही है, इसमें भी वही करंट जाएगी, ठीक है, ये सब ऐसे रहेगा, ठीक है। तो I इंटू एक्सी की दिस इक्वल टू, ये किसके बराबर जाएगा, I इंटू एक्सएल, ठीक है। तो फाइनली एक्सी दिस इक्वल टू एक्सएल, मैग्नीट्यूड बाय दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तो एक चीज़ तो मिल गई हमको कि ओमेगा एल दिस इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी, चलो कोई डाउट नहीं। अच्छा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे ये बताइए जब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहाँ जो V2 होगा, अगर V2 को लिखना चाहेंगे, V2 दिस इक्वल टू क्या I, I या ऐसे कहो, इसको एक इतना तो पता चल गया ना कि एक्सएल और एक्सी के बराबर होगा, इसको अलग से डायग्राम बनाओ तब ज़्यादा समझ में आएगा। दिस वन ये अप्लाई वोल्टेज, ठीक है, दिस इज V1, ठीक है, और ये R1, ठीक है, ये है आपका XC, इसको JXC लिख सकते हैं, माइनस JXC, सॉरी माइनस JXC, और इसको JXL, और ये R2, और इसमें करंट I, इसमें I, ठीक है। जो भी वोल्टेज है आपका सब यहाँ के X के क्रॉस V2, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो VR2, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VL, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो VC, ऐसे लिख सकते थे। और यहाँ का जो वोल्टेज होगा जो भी है वो कितना होगा VR1, ठीक है। चलिए ये जो V1 है ये सबका क्या है, एल्जेब्रिक सम होगा, ठीक है, खैर जो भी होगा वो अलग कहानी है, फिलहाल हम V2 की बात करते हैं। तो V2 जो होगा, V2 फेजर, V2 इसके ऊपर भी लुक लाइक दिस वन और इसके ऊपर भी लुक लाइक दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है। तो V2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, VR2 प्लस VL, सॉरी VL प्लस VC। अब बात करते हैं इनकी एक्चुअल में वैल्यू किसके बराबर होगी। जो VL है वो तो J XL इंटू IL होगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अच्छा बताया था कि मैग्नीट्यूड वाइज VL और VC क्या हैं, सेम है, तो हम इसको V मान सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे J इंटू V, और VC की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस जे एक्स सी इंटू आई लिखो, तो ये एक्चुअल में बराबर माइनस जे इंटू वी, यही लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। अब इन दोनों की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, ये V2 है ना,
तो वी टू की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वी आर टू के। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जे वी एल माइनस जे वी एल तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वी टू का वो सीधे सीधे वी आर टू के क्या होगा, बराबर होगा। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई कि चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक रिज़ल्ट कॉमन निकल के आया क्या, कि वी आर टू दिस इक्वल टू वी आर टू, सॉरी वी टू दिस इक्वल टू वी आर टू, और ये किसके बराबर है, आर टू इंटू आई। अब आर टू जो होता है ये किस टाइप का एलिमेंट है, ये तो कांस्टेंट होगा, टू फोर सिक्स कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेज इसका होगा वही फेज इसका भी होगा, नहीं? और ये पूरा किस में है, पूरा सीरीज में है। तो हमने बताया था जब भी सीरीज में मानना हो तो किसको रेफरेंस लेना चाहिए, करंट को, ठीक है? तो करंट को हम मान सकते हैं क्या, आई एट द एंगल जीरो, आप चाहे तो आए थीटा भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो थीटा लेके नहीं चला है, किस क्या लेके चला है, जीरो एंगल, दैट्स वाई हम इसको क्या लिखें, रेफरेंस, ठीक है? अब इसको रेफरेंस मान लिया प्लॉटिंग के लिए। तो इतना तो फिक्स है, वी टू आर टू, आर टू जो आई का फेज होगा वही वी आर टू का भी होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, और साथ साथ वही वी टू का भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लॉटिंग करना चाहें तो आई टू आई आई अगर यही है, ठीक है, अगर ये आई है तो वी आर टू और वी टू दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे, सेम फेज में, ठीक है। इसको हमने रेफरेंस ले लिया है, आई को रेफरेंस ले लिया, तो आई एट द एंगल जीरो, दैट्स वाई। तो इतना तो फिक्स हो गया कि वी टू और आई सेम फेज में होंगे। तो देखो वी टू और आई कहीं दिख रहे हैं जिस जो सेम फेज वाले हैं, तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो चलो इतना तो फिक्स है कि वन ही होगा। ये तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो हमको एक, लेकिन हम प्रॉपर डिस्कस करना चाहेंगे, पूरे फाइनल तक पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ भी दे सकता है। बाय द वे यहाँ पे तो इजी है कि चलो ठीक है, एक चीज़ निकल के आ गई कि ये होगा आपका आई और ये हो गया आपका वी टू और वी आर टू के बराबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे, तो V2 की बात तो समझ में आ गई कि ठीक है। अब V1 लिखना हो तो VR1 प्लस V2 लिखेंगे क्या, नहीं, V1 दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, फेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और V2 किसके बराबर है, R2 इंटू आई के, और ये किसके बराबर है, R1 इंटू आई के। तो इतना तो फिक्स है कि ये भी किसके, अब V1 जो होगा वो भी I के साथ क्या होगा, सेम फेज में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या रहा है, देखो V1 दिस इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट्स वाई आप ऐसा लिख सकते हैं कि V1 जो हो गया, V1 एंड V2, सॉरी V1 एंड I सेम फेज में, I V2 के साथ भी सेम फेज में, दैट्स वाई हम कह सकते हैं V1 और V2 दोनों ही क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो आपने V2 को तो बना दिया, V1 नॉर्मल सी बात है, उसमें IR ऐड होगा तो ये कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है, तो V1 लुक लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि चलो, लेकिन VC और, अच्छा VC को लिखना हो तो क्या लिखते हैं, माइनस J XL सॉरी XC इंटू I, और VL को लिखना हो तो प्लस J XL इंटू I। हाँ ये बात ठीक है कि मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन ये बताइए अगर ये I है तो J I किधर होगा, क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो VL तो ये हो गया, ऐसे लिख सकते थे क्या, J इंटू I क्लॉकवाइज, और सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस जे से मल्टीप्लिकेशन किया तो अब किधर चला आया, वो लुक लाइक दिस वन, माइनस जे इंटू आई, और इसमें
एक्सेल से मल्टीप्लिकेशन कर दी, ये सॉरी एक्सेल से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो गया आपका VL, और इसमें एक्सेल से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो गया आपका VC। ठीक है, तो VL और VC को बनाना हो तो ये तो हो गया आपका VL और ये हो गया आपका VC, दोनों ही मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कैसे तो कैसे, समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला, VC। VL नहीं बनाया भाई, VL किसी में नहीं बनाया, समझ में आ गया? अगर यही क्वेश्चन ये ना करके कि रेजोनेंस में है, रेजोनेंस नहीं देता, ठीक है, विच कॉज ऑफ नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस कर दे, और उसमें एक कंडीशन दे दे कि VL जो है VC से क्या है, जो वोल्टेज है, सॉरी VL की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है वो VC से क्या है, हायर है, तब डायग्राम प्लॉट करना हो तब कैसा होगा, अब हम उस पर डिस्कशन चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है ना। चलिए क्या करेंगे उसके लिए, उठाते हैं इसी को, पकड़ते हैं, ये बताइए बेसिक से, V2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, VR2, VL एंड VC। VL को लिखना हो तो JXL इंटू IL, I, और VC को लिखना हो तो माइनस JXC इंटू I, ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि सब सीरीज में हैं। चलो और भी लिख लेते हैं, VR2 को भी क्या लिखेंगे, R2 इंटू I, और VR1 को लिखेंगे R1 इंटू I, और V1 को लिखेंगे VR1 प्लस V2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए प्लॉटिंग करते हैं, पहले किसको ड्रॉ करेंगे, I को, I को हमने ड्रॉ कर दिया, कैसे ड्रॉ करेंगे, लुक लाइक दिस वन। आई जब ड्रॉ कर दिया उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, VC को देखिए, एक चीज और बना दीजिए, प्लस JI और ये माइनस JI, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें XL से मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो गया आपका VL, और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया किससे, XC से, तो ये हो गया आपका VC। अब VL का मैग्नीट्यूड VC से क्या है, हायर है, तो इसका मतलब इतना तो फिक्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब नेट आएगा, वो कुछ इधर आएगा, वो होगा VL माइनस VC, ठीक है, प्लस ये देखो VR इसी में सीरीज में है ना, VR2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, I इंटू R, तो R2 इंटू I, तो इतना तो फिक्स है, ये जो वोल्टेज होगा, जो भी है करंट की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो VR2 होगा, जो इसके साथ सेम फेज में होगा, हमने I को क्या ले लिया है, I एट द एंगल 0 रेफरेंस लिया हुआ है, अगर थीटा बनाने जाए सब थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए अब इनको मिला दीजिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो है आपका V2, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो V2 होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट V2 ही होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं। फिर अब बात करते हैं किसकी, V1 की, तो V1 किसके बराबर, VR1 प्लस V2, VR1 की वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं ये भी क्या है कि R1 जो है R2 से क्या है, हायर है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, सॉरी एक सेकेंड, VR2 लुक लाइक दिस वन। चलिए यहाँ पे जो होगा, अब ये बताइए करंट का डायरेक्शन क्या, सेम I इंटू R2 होगा, अगर I इंटू R2 VR2 से ज़्यादा है, का जो मैग्नीट्यूड है VR2 से क्या है, ज़्यादा है, तो ये कितना आएगा VR1,
वी आर वन का मैग्नीट्यूड वी आर टू से ज़्यादा है, तो ये कुछ लिख लिया कैसा होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो होगा क्या, देखो इन दोनों का ऐसे और ऐसे मिला दो, ठीक है, और फाइनली ये जो बनेगा दिस इज वी वन, ये हो क्या होगा, दिस इज वी वन। अगर यही वी आर वन यहां पे होता तो तब क्या करते, यहां से लेकर यहां तक बनाते, मतलब कहने का मतलब है कि ये वी एल है और ये वी सी है और ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस टाइप का आया था हमारा वी टू, जो किसका था वी आर टू का, और ये वी एल माइनस वी सी था, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, और वी आर वन सपोज करो यहीं तक होता तब क्या होता, रिजल्टेंट किसका किसका देखते, इसका और इसका, तो क्या करते इसको बढ़ाते और इसको बढ़ाते, और ये जो वैल्यू आती दिस इज वी वन, ठीक है, तब फाइनल आंसर ये हो जाता, लेकिन वो किस कंडीशन होता है, जब रेजोनेंस नहीं होता इस सर्किट में, तब उसके करस्पॉन्डिंग ड्रॉ सर्किट कैसा होगा, लुक लाइक दिस वन, ठीक है, और भी कंडीशन, अब यहाँ पे अगर वी सी ग्रेटर हो जाता, अगर वी सी ग्रेटर हो जाता तब ये किधर शिफ्ट कर जाता, नीचे डाउनवर्ड में, ठीक है, ये सभी जब भी बनाइए तो ये ऐसे बनाइए इसको, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं, और ये आई क्या है, आई एट द एंगल जीरो डिग्री रिफरेंस ले लिया हुआ है।